काफी एजेंट लोग ऐसा करते हैं और 10-10 12-12 लाख जो है आपसे ले लेते हैं। अगर यूएसए का वीजा लग सकता है ना, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ दो ही लोगों का हाथ होता है। ये ऐसे दो केसेस गारंटी है कि आप फटाफट यूएसए में आ ही जाओगे। वेलकम बैक एवरीबॉडी, सत श्री अकाल, सब वधिया ते कमाल। आज की वीडियो आप लोगों के क्वेश्चन पे, इतने लोगों ने मेरे को कमेंट किया है और उसमें पूछते हैं कि यार हमें भी अमेरिका आना है, आप इनविटेशन पे बुला लो। तो आज बात करता हूँ ये जो इनविटेशन वाली चीज़ है, ये क्या, कौन आपको बुला सकता है, कौन नहीं बुला सकता है, और अगर बुलाते भी हैं तो कितना टाइम लगता है, वो एक एक चीज़ इस वीडियो में बताता हूँ। आयो फिर तो भाई, पहले तो मैं बताता हूँ कि अगर इनविटेशन पे बुलाना इतना आसान हो तो सभी कंट्री से लोग इधर ना आ जाए फटाफट, यही तो कैच है भाई। यहाँ पे अगर आपका कोई सगा भी है ना, सगा, फॉर एग्जांपल आप यहाँ के यूएस सिटीजन हो और आप अपने सगे भाई या सगी बहन को बुलाना चाहते हो, तो भी भाई 10 साल की वेटिंग है। अपना रियल ब्लड में भी 10 साल का वेटिंग है, तो दूर के लोग तो आप भूल ही जाओ। तो आज पूरी डिटेल में आपको इस वीडियो में समझाता हूँ कि कौन आपको बुला सकता है और कौन नहीं। तो सबसे पहले तो प्रोसीजर को समझो कि यूएसए में आने का प्रोसीजर क्या है। अगर आपको कोई स्पॉन्सर लेटर या इनविटेशन लेटर भी दे देगा ना, तो भी कुछ उखाड़ नहीं पाओगे। पता क्यों? क्योंकि आपको जाना रहता है वीजा इंटरव्यू के लिए, वो भी एम्बेसी में। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, अगर आपका कोई रियल ब्रदर है जो यहाँ पे यूएस सिटीजन है, वो आपको इनविटेशन भी दे दे कि हाँ भाई ये मेरा ब्रदर है, इसको यहाँ पे आना है ये चीज़ के लिए, फिर भी उसके जो ब्रदर है उसको वीज़ा इंटरव्यू के लिए जाना पड़ेगा यूएसए एम्बेसी में, प्रूव करना पड़ेगा कि भाई क्या करने जा रहे हैं, बोलना पड़ेगा। अदरवाइज वीज़ा रिजेक्ट करते समय उनको बस चंद सेकेंड लगते हैं, वीज़ा रिजेक्ट करने में कोई उनको टाइम नहीं लगता है। एम्बेसी वाले जो हैं वो आदमी को देख के सामने पकड़ लेते हैं कि भाई ये करना क्या चाहता है। तो अब बात करते हैं कुछ ऐसे वीज़ा की जिनको प्रायोरिटी में लेकर जो वीज़ा एम्बेसी है वो प्रोसेस करती है। तो सबसे पहले कैटेगरी आती है इमिग्रेंट वीज़ाज। अब इमिग्रेंट वीज़ाज काफ़ी टाइप के हैं। फॉर एग्जांपल कोई आदमी यहाँ पे यूएस सिटीजन है, वो अपने पेरेंट्स को बुलाना चाहता है, तो ये वाला जो केस है ये प्रायोरिटी केस है। विद इन 1.5 या 2 साल के अंदर अंदर वो उसके जो पेरेंट्स हैं वो यहाँ पे ग्रीन कार्ड पे आ सकते हैं। दूसरा केस, कोई यहाँ पे यूएस सिटीजन है, वो अपनी वाइफ को, फॉर एग्जांपल उसने इंडिया में जाके शादी कर ली और वापस आ गया, अब वो अपनी वाइफ को यहाँ पे बुला रहा है, तो वो भी एक प्रायोरिटी केस है, उसकी वाइफ को भी ग्रीन कार्ड मिल जाएगा और विद इन 2 ईयर्स जो प्रोसेस है वो यहाँ पे हो जाता है, यहाँ पे आप इजीली पहुँच सकते हैं। तो ये ऐसे दो केसेस गारंटी है कि आप फटाफट यूएसए में आ ही जाओगे। तो ये दो तरह के केस मैंने आपको बताए जो कि इमिग्रेंट वीज़ा में आते हैं, जिनकी प्रोसेसिंग सबसे जल्दी की जाती है एम्बेसी ऑफिसर्स के दौरान। बाकी जितने भी केस है ना, फॉर एग्जांपल आपका कोई रिलेटिव है यहाँ पे, यूएस सिटीजन है यहाँ पे, आपको बुलाता है कि भैया ऐसा ऐसा कुछ प्रोग्राम है, फॉर एग्जांपल किसी की शादी है या उनके कोई बर्थडे पार्टी है, तो आपको वो इनविटेशन लेटर देते हैं और आप ट्राई करते हो नॉन इमिग्रेंट वीज़ा, फॉर एग्जांपल B1 B2 जो कि टूरिस्ट वीज़ा होता है या फिर बिजनेस वीज़ा होता है। अब उसमें आपको लेटर तो वो मिल गया यूएस सिटीजन से, जो भी आपके रिलेटिव है यहाँ पे, लेकिन भाई आपको इंटरव्यू में जाना पड़ेगा। और जब आप जाते हो यूएसए की एम्बेसी में वीज़ा इंटरव्यू के लिए, वहाँ पे ये सब कोई गारंटी नहीं है कि वो आपको स्पॉन्सर लेटर, जो भी आपका इन्विटेशन लेटर है, वो मांगे या ना मांगे। उन्होंने आपको देखना है क्या आप केपेबल हो यूएसए में जाने के लिए। वो आपको स्कैन कर लेते हैं, आपकी पर्सनैलिटी से स्कैन कर लेते हैं कि बंदा सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है, तभी आपको जो है वीज़ा ऑफर किया जाता है। अदरवाइज मैक्सिमम मैं आपको बताऊं तो रिजेक्ट ही करते हैं, क्योंकि इनको रिजेक्शन में सीधा सीधा हक है। अगर इनको कोई आदमी पसंद नहीं आ रहा है तो उसी टाइम ये उसका वीज़ा डिसअप्रूव कर सकते हैं। और मैं आपको सच बात बताता हूँ, अगर यूएसए का वीज़ा लग सकता है ना, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ दो ही लोगों का हाथ होता है। सबसे पहला ऊपर वाले का आशीर्वाद, उसके बिना भाई पत्ता भी नहीं हिल सकता, ये तो फिर वीज़ा है।
और दूसरा होता है आपकी कैपेबिलिटी, क्योंकि आपको उनके सामने खिड़की के सामने जाके खड़े होना है। आपकी जो पर्सनैलिटी होनी चाहिए वो देखते ही बंदे इम्प्रेस हो जाने चाहिए कि हाँ भाई ये एक जेन्यून पर्सन है, इसको हम वीज़ा जो है वो दे सकते हैं। तो सिर्फ दो ही लोग हैं मैंने जो आपको बताया, एक ऊपर वाला और दूसरा आप खुद। इसके अलावा कोई भी आपको यहाँ पे बुला नहीं सकता है, इवन दो आपको कोई स्पॉन्सर भी कर दे, इनविटेशन लेटर भी दे दे, और काफ़ी एजेंट लोग ऐसा करते हैं और 10-10, 12-12 लाख जो हैं आपसे ले लेते हैं। सच बोल रहा हूँ, स्पॉन्सर और इनविटेशन लेटर देखते तक नहीं है वीज़ा ऑफिसर्स, उनको मतलब ही नहीं है, वो सिर्फ आपसे सुनना चाहते हैं, आपको ऑब्जर्व करना चाहते हैं कि बंदा क्या बोल। और भाई मैं तो आपको यही बोलता हूँ, किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है, किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं है कि भाई मुझे इनविटेशन लेटर दे दो, बुला दो। अगर मांगना है तो ऊपर वाले से मांगो भाई, उसका दिया हुआ ना कोई रोक नहीं सकता। क्या पता वो ऐसे ऑफिसर को बिठा दे, उसका दिमाग घुमा दे कि भाई तुम्हें देगा ही देगा, बेशक आपको लगे कि यार मेरे को कहाँ मिलेगा ठीक है ना। तो इस तरह से जो है, अगर आप खुद पहले कैपेबल बनो कि हाँ भाई खिड़की के सामने जाना है तो क्या बोलना है, ऊपर वाला तो मदद करेगा है, लेकिन एफर्ट आपको लगाना पड़ेगा। वो वीज़ा जो इंटरव्यू होता है ना, उस वही बात अटकती है जाके कि कौन बंदा यूएसए की फ़्लाइट पकड़ेगा और कौन नहीं। किसी भी और बंदे के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत आपको नहीं है। तो आज की वीडियो इतनी रखता हूँ, और होप कि आप लोगों को समझ आया होगा कि किस तरह से आप लोग यहाँ पर आ सकते हो, कौन आपको बुला सकता है, कौन नहीं बुला सकता है। दो तरह के वीज़ा होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ, एक होता है इमिग्रेंट वीज़ा और दूसरा होता है नॉन इमिग्रेंट वीज़ा। इमिग्रेंट वीज़ा बेसिकली मतलब है यहाँ पे आप ग्रीन कार्ड पे आ रहे हो, सीधी सी बात है। नॉन इमिग्रेंट वीज़ा होता है कि आप कुछ सर्टेन टाइम के लिए आ रहे हो, उसके बाद आपको वापस जाना है। जिसमें नॉन इमिग्रेंट वीज़ा की बात करूँ तो उनके कुछ टाइप्स हैं, जैसे B1 B2 वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा जिसको बोलते हैं, F1 स्टूडेंट वीज़ा, H1B वीज़ा, H2B वीज़ा। H2B वीज़ा पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है, ऊपर लिंक दे रहा हूँ, वहाँ पे आप जाके देख सकते हो। अब बात करते हैं कुछ इमिग्रेंट वीज़ाज़ की। इमिग्रेंट वीज़ाज़ में आता है F3, F4, IR1, CR1, ये सब रिलेटेड हैं US सिटीज़न और ग्रीन कार्ड होल्डर्स के स्पाउस या उनके बच्चे, या फिर कुछ लोग अडॉप्ट करते हैं, ये सब उनसे रिलेटेड वीज़ाज़ हैं जो कि ग्रीन कार्ड पे यहाँ पे आते हैं। तो ये सारी कैटेगरीज हैं इमिग्रेंट वीज़ाज़ की और नॉन इमिग्रेंट वीज़ाज़ की। अगर डिटेल वीडियो आपको किसी भी वीज़ा पे चाहिए तो मेरे को आप कमेंट सेक्शन पे जो है पूछ सकते हो, मैं बिल्कुल रिसर्च करके आपको बताने की कोशिश ज़रूर करूँगा। मिलता हूँ आपको ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में नेक्स्ट टाइम। अंटिल देन चेक आउट फटे।